एक और घरेलू मुलाजमा मालिकान के जुल्म का शिकार। डिफेंस के इलाके में मालिकन का 12 साल बच्ची पर मुबैना तशद्दुद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम का फौरी एक्शन। मुतासरा बच्ची को घर से बाजियाब कराकर अपनी तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद कहती हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की कॉल पर कार्रवाई की गई। 12 साल नादिया को घर की मालिकन तशद्दुद का निशाना बना रही थी। मुतासरा बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकम्मल देखभाल की जाएगी। जमनाबाद में गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक धमाका। धमाके के बायस मकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जख्मी। गैस सिलेंडर मकान की दूसरी मंजिल पर फटा। रेस्क्यू और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां। जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने घर को सील करके वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। जिना हॉस्पिटल में एक और मरीज दम तोड़ गया। 55 साल मरीज को 19 अप्रैल को हॉस्पिटल लाया गया। हेपेटाइटिस का भी मर्ज लाहक था। एमएस जिना हॉस्पिटल लाहौर समेत पंजाब भर में वायरस से 100 हलाकतें रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 61 नए केस, तादाद 1469 हो गई। न्यू हॉस्पिटल 228, पीकेएलआई में 55 मरीज, सर्विसेज में 28, मजांग हॉस्पिटल में 14 मरीज जेरे इलाज। जिना और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 8-8 मरीज जेरे निगरानी। सुबह भर में 97 नए मरीज, तादाद 5827 तक जा पहुंची। 3048 आम शहरी, 1926 रायवंड से मुंसलिक अफराद, 768 जायरीन और 86 कैदी वायरस का शिकार। फ्रंटलाइन सिपाही भी कोरोना के निशाने पर। पीआईसी में मजीद 2 हेल्थ प्रोफेशनल्स वायरस का शिकार। टेक्नीशियंस और पैरामेडिक्स में कोरोना मस्बत आया। अब तक 37 हेल्थ प्रोफेशनल्स वायरस का शिकार हो चुके हैं। सीओ प्रोफेसर साकिब शफी, 40 से ज्यादा तिब्बी अमले की रिपोर्ट का इंतजार। वजीर सेहत ने पीआईसी में बीएसएल लेवल 3 लैब का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं करंटीना मराकज में 28,000 मुश्तबा मरीजों को रखने की गुंजाइश है। 90% मरीजों में मामूली अलामात हैं। तशखीसी टेस्ट की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। जल्द मूजी वायरस पर काबू पा लेंगे। एसएचओ के बाद कायम मकाम एसएचओ रायवंड भी कोरोना का शिकार। 9 अहलकारों की सैंपलिंग की रिपोर्ट का इंतजार। रायवंड सिटी थाने में जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव। अहलकार थाने में आने से हिचकिचाने लगे। तबलीगी मरकज और इतराफ में बदस्तूर लॉकडाउन। मक्खनपुरा की गलियां एक माह बाद भी ना खुल सकीं। 154 घरों में लोग घरों तक महदूद। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस अहलकार तैनात। तीन परवाजों से पाकिस्तान आने वाले 105 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। तमाम मुसाफिरों की मुख्तलिफ करंटीना सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। सऊदीया से आने वाले 35 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई। दुबई से आने वाली 2 परवाजों के 70 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक। सीओ मियो हॉस्पिटल डॉक्टर असद असलम। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। डिप्टी डायरेक्टर एलडीए भी सेहतयाब। एक्सपो करंटीना सेंटर से घर जाने की इजाजत। 25 अप्रैल को एलडीए ऑफिसर का टेस्ट पॉजिटिव आया था। एलडीए का हफ्तावार दफ्तरी अयाम तब्दील करने का फैसला। 6 के बाद 5 दिन दफ्तरी अमूर निपटाए जाएंगे। पीर से जुमा तक आवाम के लिए दफातर खोले जाएंगे। कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिस में जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव। कस्टम्स ऑफिस को बंद करने का तहाल फैसला ना हो सका। मुलाजमीन में खौफो हिरास। कोरोना वायरस की बरवक्त तशखीस। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट सैंपलिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। वर्किंग ग्रुप आदाद शुमार हासिल करके तज्जिया करेगा। बैन अल अक्वामी तालीमी इदारों के माहरीन की खिदमात भी लेने का फैसला।
वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवानबख्त वर्किंग ग्रुप के कन्वीनियर होंगे। वर्किंग ग्रुप की तजावीज पर काबीना कमेटी आइंदा के फैसले करेगी। जो महदूद वही महफूज, शहरी गाफिल। अफतारी के सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में रश लगा रहा। समोसे पकौड़े दही भल्ले फ्रूट चाट की खूब खरीदारी। सड़कों पर गाड़ी और मोटर बाइक वालों का रश रहा। पुलिस भी दफा 144 पर अमल दरामद करवाने के लिए इन एक्शन। बिला जवाज घरों से निकलने वाले शहरियों को घर भिजवाया जाने लगा। हुकूमत ने टेस्टिंग की तादाद 3000 से कम करके 1500 कर दी। लीगी रहनुमाओं का इल्ज़ाम, नून लीग ने अब तक 30,000 किट्स डॉक्टर्स में तकसीम की। राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। जामे नईमिया गड़ी शाहू में हिफाजती किट्स तकसीम। अलामा राग़िब नईमी का मसाजिद के लिए इमदादी पैकेज देने का मुतालबा। कोरोना और महंगाई से परेशान अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी का इम्कान। यकम मई से पेट्रोल 20.68 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 33.94 रुपये फी लीटर कम करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत में 44.07 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश। मट्टी के तेल की कीमत में 44.07 रुपये फी लीटर कम करने की तैयारी। उग्रा की जानिब से समरी इरसाल, वजारत खजाना कल मंजूरी देगी। कोरोना से मरने वालों की गिनती हो रही है, भूख से मरने वालों की नहीं। लॉकडाउन में नरमी करना हुकूमत की ना अहली थी। कोरोना की मौजूदगी में कारोबारी मामलात को भी चलाना है। मईशत तबाह हो गई, हुकूमत गहरी नींद सो रही है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की मीडिया से गुफ्तगू। सर्विसेज में यंग डॉक्टर्स को 1000 हिफाजती किट्स फराहम। और चैम्बर में शहर के बड़े बाजारों के ताजरों का इकट्ठ। कोरोना के पेश नजर होने वाले कारोबारी नुकसान पर तबादला ख्याल। इरफान इकबाल शेख बोले, ताजरों के मसाइल और मुश्किल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के बारे में संजीदगी से सोचे। रमजान में भी महंगाई की दुहाई। लीमू ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। सिंहपुरा मंडी में लीमू के स्टॉल्स गायब। दुकानदार 430 से 450 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मौसमी सब्जियों के भी महंगे दाम। आलू 80 रुपए किलो, प्याज का सरकारी रेट 42 रुपए, दुकानों पर 60 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 120 रुपए, लहसुन अदरक घिया तोरी और अरवी भी महंगी। ब्रायलर की कीमत में 6 रुपए का इजाफा, 197 रुपए किलो फरोख्त। फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। खजूरें 100 से 200 रुपए किलो महंगी। ईरानी खजूर 500 रुपए किलो फरोख्त। काला कलू सेब 300 रुपए किलो। सफेद सेब 150 रुपए किलो। केला 200 रुपए दर्जन। स्ट्रॉबेरी 220 रुपए किलो। खरबूजा 110 रुपए किलो। अमरूद 200 रुपए किलो। नाकिस हिकमत अमली या फिर रवायती सुस्ती। रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई बेहतर ना बनाई जा सकी। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें और बेसन नायाब। रैक खाली, खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई बेहतर बनाने में नाकाम हो गई। शहरी अशिया की किल्लत नहीं, ज्यादा डिमांड की वजह से सप्लाई में ताखीर हुई। स्टोर इंतजामिया। डीजी रेंजर्स पंजाब का मुश्किल की घड़ी में आसन इकदाम। 500 मस्तक मसीही बरादरी के खानदानों में राशन तकसीम। मसीही बरादरी के अफराद की जानिब से पंजाब रेंजर्स का इजहार तशक्कुर। पीसीबी के कानूनी मशीर के खिलाफ बयानबाजी। साबिक पेसर शुएब अख्तर को महंगी पड़ गई। तफजुल रिजवी की जानिब से 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस। शुएब अख्तर का वीडियो बयान बेबुनियाद और इल्जामात करार। तफजुल रिजवी ने शुएब अख्तर के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में भी दरखास्त दे दी। पाक
पाकिस्तान ने बहुत से ग्रेट्स क्रिकेट को दिए हैं और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान है। यूसुफ भाई की स्किल और क्लास, यूनुस खान का नेवर गिव अ माइंडसेट, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे और मजीद सीखते रहेंगे। और मोहम्मद यूसुफ यूनुस खान बेहतरीन बैटिंग जोड़ी करार, T20 कप्तान बाबर आजम ने अपनी पसंदीदा जोड़ी के नाम बता दिए। हीरोज से बहुत कुछ सीखा है, आइंदा भी सीखेंगे बाबर आजम। ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने लेग स्पिनर मरहूम अब्दुल कादिर को आइडियल करार दे दिया।